बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नू किचन। चलिए आज मैं आप लोगों के संग छठवें रोज़े की इफ्तारी शेयर कर रहा हूँ। छठवां रोज़ा आप सभी को मुबारक। चलिए इफ्तारी में आज सोजी का दलिया और मैदे के पुरियाँ, भजियों में बैंगन का भजिया, प्याज का भजिया और आलू का भजिया। चलिए जल्दी जल्दी रेडी कर लेंगे सब चीज़। समय पहले हम पूरियों का आटा भिगा के रेडी कर लेंगे। ये मैदे का आटा है, पाव किलो मैदे का आटा ले लिया हम लोग 250 ग्राम। इसमें नमक ऐड कर लिए स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लिया आटे में। अब हम ये आटे को अच्छे से भिगा के रेडी कर लेंगे। तेल ऐड कर लेंगे इसमें अब 4 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप दूध भी ले लेंगे। पूरियों को अपने को नरम बनाना है, पापड़ के टाइप नहीं बनाना है। इसमें आधा कप दूध ऐड कर लिया हम लोग, आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से इसका डो बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए डो अच्छे से बन के रेडी हो गया। असर की अजान भी शुरू हो गई। अब हम ये आटे को रेस्ट के लिए रख देंगे। ये भिगा जब तक अच्छे से बेसन रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए 2 कटोरी बेसन ले लिया हम लोगों। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन ऐड कर लेंगे हाथ से क्रश करके। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच ज़ीरा ऐड कर लेंगे साबित। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को बेसन में। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर रेडी कर लेंगे बेसन का। ये देखिए बेसन अच्छे से रेडी हो गया। अब हम ये बैंगनों को मसाला लगा लेंगे। 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। बेसन में भी रहता नमक, देख समझ के ऐड कर लेंगे नमक। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम ये मसालों को बैंगन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए बैंगन में। अब हम इसको भी रेस्ट के लिए रख देंगे। दलिया बनाने के लिए हम लोगों 1/2 लीटर दूध को गर्म कर रख दिए एक भगोने में। इसको अच्छे से गर्म करना है अपने को। ये दूध में अपन 1 मुट्ठी चॉप्ड खोपरा ऐड कर लेंगे। दूध को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए दलिया बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। 1 कटोरी सूजी ले लेंगे। शक्कर अपने हिसाब से ले लेंगे, हमने 1 कटोरी ले लिए। इसमें से कितनी लगती है उतनी ऐड कर लेते दलिए में। ये देखिए दूध अच्छे से पक के रेडी हो गया। अब हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी ऐड करते करते हाथ चलाना है अपने को, दूसरा हाथ। और 1 चम्मच सूजी ऐड कर लिए हम लोगों दूध में दलिया घट होने के लिए। ये देखिए अच्छे से थिकनेस आ रही है इसमें दलिए में। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर को अपने हिसाब से ऐड करना है, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी। एक चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे। इसको कलर भी डाल के बना सकते हैं, बिना कलर के भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी। 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे दलिए में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चलिए ये देखिए दलिया बन के अच्छे से रेडी हो गए माशाल्लाह। अब हम पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए पूरियाँ तलने के लिए तेल गरम को रख दिया हम लोग एक कढ़ाई में 2 से 3 कप। ये देखिए आटा भी अच्छे से नरम हो गया। अब हम एक एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेके पूरियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए बेल के रेडी कर लिए। अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। ये देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब हम तलने के लिए डाल देंगे पूरी को, अच्छे से तल लेंगे। अब इसको टर्न कर लेंगे। इसको अपने को बादामी कलर के तलना है। ये देखिए तलने में ही नरम दिख रही है पूरियाँ। अब दूसरी पूरी बेल के रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन दिख रही है पूरी। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह इसी तरीके से पूरे पूरियाँ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए दूसरी पूरी भी अच्छे से बन के रेडी हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दलिया भी पूरियाँ बन के रेडी हो गए। अब हम भजियों की तैयारी कर लेंगे। सोडा ऐड कर लेंगे अब इसमें, बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेसन अच्छे से रेडी हो गए। सब में पहले हम बैंगन के भजिए रेडी कर लेंगे। अब हम जो मैरिनेशन कर लिए थे बैंगन को, उसको अपन बेसन में डीप करते जाएंगे। गरम गरम तेल में तलने के लिए डाल देंगे। जो पूरियाँ तल लिए थे वही तेल है ये, इसमें ही तल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे तलना है अपने को भजियों को, ये बैंगन के। माशाल्लाह खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही भजियों की। ये देखिए भजी अच्छे से रेडी हो गए बैंगन के माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी सेम तरीके से फॉलो करना है अपने। ये देखिए बैंगन के भजिए बन के रेडी हो गए पूरे। अब हम आलू के भजिए रेडी कर लेंगे। बेसन में डीप करते जाएंगे, भजिए तलते जाएंगे। आलू के भजियों को भी अपने को बादामी कलर के तलना है अच्छे से। ये देखिए आलू के भजिए अच्छे से रेडी हो गए। नेक्स्ट स्टेप भी सेम तरीके से फॉलो करना है अपने को। अब जो बेसन का मैरिनेशन बच गया था उसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे प्याज के भजियों के लिए। अब हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। टाइम हो रहा बोल के हम लोग हैं जल्दी जल्दी कर रहे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे इसमें। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच। सब वो अच्छे हो रहे इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे।
लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच साबित ज़ीरा ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, हाथ धो के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब प्याज के भजिए बनाना शुरू करेंगे। अब हम ये प्याज के भजियों को भी फुल फ्लेम पे बादामी कलर के अच्छे से रेडी कर लेंगे। ये रेडी होने के बाद मैं दिखाता हूँ हम लोग को। ये देखिए प्याज के भजियाँ अच्छे से तले गए माशाल्लाह, दूसरी तरफ भी अच्छे से तले जा रहे हैं। अब ये रेडी हुए, जब तक मैं इफ्तारी की तैयारी कर लेता हूँ, फिर मिलेंगे अब। चलिए ये देखिए दस्तर रेडी कर दिया मैं, सहरना भी शुरू हो गए। आइए आप लोग भी इफ्तार करने के लिए। चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।